हरियाणा कांग्रेस में होने वाली है लठम लठ। टिकट की मांग को लेकर होने वाला है घमासान। 90 सीट के लिए 2500 से ज्यादा उम्मीदवारों ने ठोक दी ताल। हुड्डा की विधानसभा से भी दिया गया है आवेदन। 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में टिकट मांगने वालों की खड़ी हो गई है लंबी कतार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से तैयारियों में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस ने हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों पर हुए आवेदन के हिसाब से दूसरा सर्वे शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने 10 अगस्त तक आवेदन मांगे थे। इसमें 90 सीटों पर अभी तक 2556 दावेदार सामने आए हैं। कांग्रेस की नीलोखेड़ी सीट पर सबसे अधिक 88 आवेदन आए हैं। इसके बाद जुलाना से 86, बवानीखेड़ा से 78, बाड़सा से 60 और उकलाना से 57 लोगों ने आवेदन किया है। जबकि सबसे कम आवेदन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गढ़ी सांपला किलोई से हुआ है और यहां से महज एक आवेदन दिया गया है। यह आवेदन भी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ही दिया गया है। हुड्डा के सामने किसी भी कांग्रेसी ने आवेदन नहीं किया है। इसके अलावा देवीलाल परिवार की पैतृक सीट माने जाने वाली डबवाली से महज 4 आवेदन मिले हैं। सबसे खास बात यह है कि कैथल विधानसभा से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने किसी समर्थक का आवेदन नहीं करवाया है। चर्चा है कि सुरजेवाला खुद या बेटे आदित्य सुरजेवाला को यहां से चुनाव लड़वा सकते हैं, मगर सुरजेवाला परिवार में किसी ने आवेदन नहीं किया है। किरण चौधरी के भाजपा में जाने के बाद तोशाम सीट पर चौधरी बंसीलाल के पोते और रणवीर महेंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी ने आवेदन किया है। इस बार बाडरा सीट से परिवार ने आवेदन पेश नहीं किया है। पिछली बार अनिरुद्ध चौधरी के पिता रणवीर महेंद्रा नैना चौटाला के सामने बाडसा परिवार से लड़े और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। नैना चौटाला से हार के बाद अब की बार रणवीर महेंद्रा अपनी पारंपरिक सीट पर शिफ्ट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस बंसीलाल की पुत्रवधु किरण चौधरी के सामने पोते अनिरुद्ध चौधरी को लड़ा सकती है। अनिरुद्ध चौधरी ने दावेदारी जताकर इसके संकेत भी दे दिए हैं। खास बात यह है कि हरियाणा की 14 रिजर्व सीटों पर सबसे ज्यादा दावेदार है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी रिजर्व सीटों पर पिछड़ गई थी। यही कारण है कि हरियाणा की रिजर्व सीटों पर सबसे ज्यादा दावेदारी कांग्रेस में ठोकी गई है। कांग्रेस में 2500 से ज्यादा दावेदारों से कांग्रेस की मुश्किल भी बढ़ सकती है, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं और इन 90 सीटों पर सिर्फ 90 ही उम्मीदवारों को कांग्रेस टिकट दे सकती है। तो ऐसे में बाकी उम्मीदवार जो उम्मीद लगाए हुए हैं कि उन्हें कांग्रेस टिकट देगी, उनके हाथ निराशा लगेगी। और ये निराशा क्या बगावत में बदल सकती है? क्या कांग्रेस के भीतर लठम लठ हो सकता है? क्योंकि इसकी पूरी संभावना है। फिलहाल कांग्रेस के पास ये खुश होने के लिए एक बड़ी वजह जरूर है कि उनके पास दावेदारों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन यही खुशी कब गम में बदल जाए ये कहना गलत नहीं होगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।